नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़, मैं स्वाति। अगली खबर है रीवा जिले के हरमना क्षेत्र से, जहां अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान में हरमना पुलिस को फिर सफलता हाथ लगी है। रीवा जिले के हरमना थाना प्रभारी के नेतृत्व में हरमना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर हरमना पुलिस ने हरमना के वार्ड क्रमांक 11 में दबिश दी, जहां आरोपी काबिज अंसारी के कब्जे से 32 सीसी अवैध नशीली कफ सिरप एवं 33 पत्ते नशे की टेबलेट को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी कार्यवाही हनमना थाना अंतर्गत हाटा चौकी के लोढ़ी गांव में मुखबिर के सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी, जहां 800 ग्राम गांजे के साथ आरोपी अशोक मिश्रा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध NDPC एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई, जहाँ से न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय के द्वारा केंद्रीय जेल में भेज दिया गया है। को हम लोगों को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा हनमना का काबिल खान जो है अपने घर से नशे की टेबलेट और कफ सिरप की बिक्री कर रहा है। तो मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने जा करके हनमना कस्बा में दबिश दिया था, जिसके घर से हम लोगों को 32 सीसी ऑनरिक्स कफ सिरप और 33 पत्ते अल्प्राजोलम टैबलेट के और 15 पत्ते स्पेस्मोप्रोक्सीन कैप्सूल के प्राप्त हुए थे, जिनको हम लोगों ने जब्त किया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 471/22 धारा 21/22 NDPS एक्ट का अपराध दर्ज किया गया है। इस आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कफ सिरप एवं मादक पदार्थों की बिक्री पर दो अपराध दर्ज किए गए हैं और हम लोगों ने उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया गया है, जहां से उसको केंद्रीय जेल रिवा भेज दिया गया है। और अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और हम लोग लगातार क्षेत्र में नज़र बनाए हुए हैं, जहां जैसी सूचना मिलती है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह में हम लोग मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम लोढ़ी में अशोक मिश्रा नामक व्यक्ति जो है गांजे की बिक्री करता है, समोसे चाय की दुकान चलाता है, जहां पर चौकी प्रभारी हाटा एवं स्टाफ के द्वारा दबिश दी गई थी। और दबिश के दौरान हमको वहां 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ था, जिसपे हम लोगों ने जब्त करके और आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 472/22 धारा 8/20 NDPS एक्ट का अपराध दर्ज किए हैं और उसमें कार्रवाई हुई है।